सभी लोग इतने ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि आज हम इस क्षण के साक्षी बने हैं, और बहुत ही हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इतना बड़ा काम हुआ है। तो हम सभी लोग सबसे पहले तो मैं हम सभी, मुझे लगता है सिर्फ एक भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सभी राममय हो रहे हैं, और सभी के अंदर एक ऐसा इतनी खुशी, हम सभी इतने भावुक भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ इतने हमारे बुजुर्ग हैं जो बहुत भावुक हो रहे हैं, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखेंगे हमारे जीवन में, हम ऐसा दिन देखेंगे, लेकिन ऐसा हो पाया है। आज इतना बड़ा ऐसा, मतलब ऐसा ये पल ऐसा था कि जब मैं मानती हूँ कि समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी के आंसू बहाए या खुश हुए, लेकिन सभी लोग इसमें राजा जय सिंह की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति की वजह से उन्होंने इसमें पूरा प्रयास किया कि नहीं, मैं राम मंदिर बिल्कुल बना के भी छोड़ूंगा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी इसी कार्यकाल में पूरा होगा। तो हो गया ये काम, और बहुत ही हम सब आभारी हैं कि उनकी वजह से आज ये हम लोग दिन देख पाए हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और आज सबको दिवाली मनानी है अपने अपने घरों में। दिवाली से भी ज्यादा बड़ा दिन है, और दिवाली क्यों मनाई जाती थी, क्योंकि प्रभु श्री राम वनवास से फिर वापस घर लौटे थे, लेकिन 14 साल बाद इस बार 500 साल बाद तो ऐसी भव्य दिवाली मननी चाहिए पूरे जयपुर में आप लोगों के घरों में। और ये दिवाली एक दिन के लिए नहीं मननी चाहिए, ये इतना बड़ा अवसर है हर एक व्यक्ति के लिए। तो ये तो दिवाली रोज रोज अब मनाते रहना है हम लोगों को कि भाई ये काम हुआ है जो किसी ने सोचा नहीं। तो आप सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को जय श्री राम।